स्टूडेंट्स नाउ टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे y क्या था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जहाँ पर दोनों वेरिएबल x और y दोनों ही एक ही साइड पर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड ज़ीरो होती है, तो वो फंक्शन होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन. यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x का भी फंक्शन होगी, वो y का भी फंक्शन होगी. दोनों टर्म्स कहाँ पे होंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे. जैसे एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी x और y दोनों एक ही साइड पे आएंगे तो फंक्शन होगा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, और राइट हैंड साइड क्या होगी? ज़ीरो. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. हमें डेरिवेटिव निकालना है dy by dx. क्वेश्चन गिवन है हमें 2x plus 3y is equal to sin x. आप चाहिए तो चाहो तो sin x को इधर ला सकते हो, राइट हैंड साइड को ज़ीरो कर सकते हो. तो हमने क्या करना है? dy by dx निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है. तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट क्या होता है हमारा डेरिवेटिव, यानी dy by dx. तो हम डिफ्रेंशिएट किसके अलोंग करते हैं? हमेशा x के अलोंग. तो डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो d by dx लगा दिया हमने 2x पर, d by dx ही लगा दिया 3y पर, d by dx ही लगा दिया हमने sin x पर. दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने. अब टू कॉन्स्टेंट है एज इट इज़. d by dx किसका करना है हमें? x का. थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर लिया. d by dx करना है हमें किसका? y का. sin x का डेरिवेटिव पता है आपको क्या होता है? cos x. पहले फंक्शन का होता है और फिर वेरिएबल का होता है. फिर d by dx किया हमने किसका? वेरिएबल का, x. तो dx by dx क्या हो गया? कैंसिल हो गया. क्या बन गया ये? 1, 3. क्योंकि जब ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं, इसलिए जब भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम x के अलोंग, अगर सेम वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं. अब ऊपर और नीचे वेरिएबल क्या है? डिफरेंट है. तो 3 dy by dx cos x, dx से dx कैंसिल. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? dy by dx की. 3 dy by dx एज इट इज़. ये 2 कॉन्स्टेंट है, इसमें dy by dx नहीं है, इसको उधर ले गए. अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया, तो क्या हो गया? डिवाइड में. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy by dx की, ये आ गया हमारा आंसर. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आई विल नेवर रिपीट, सिर्फ राइट हैंड साइड चेंज है. तो राइट हैंड साइड में देखिए वही फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, कोज वाई, फिर वेरिएबल का करते हैं. अब वेरिएबल क्या है हमारा? वाई. तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका? वाई का. तो वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की कितनी टर्म्स हो गई? यहाँ पे हो गई 2. ऊपर थी सिर्फ 1, अब हो गई 2. तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, 3 एज इट इज़. ये कोज वाई यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव. इक्वल बाकी कॉन्स्टेंट को उधर ले जाते हैं हम. यहाँ प्लस 2 है, यहाँ क्या हो गया? माइनस 2. हमें निकालना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो गया वो डिवाइड. माइनस कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारा आंसर.